हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चार का ऑफ्स रूल के बारे में जान लेते हैं। देखो, फर्स्ट रूल, चार का ऑफ्स रूल जो है, दीज आर रिलेटेड टू डीएनए। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, आप जानते हो। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, साइटोसिन पेयर्स विद ग्वानिन, राइट? There is a double hydrogen bond between adenine and thymine, and there is a triple hydrogen bond between cytosine and guanine, है ना? So अभी Chargaff's rule देखो क्या कहता है। First rule says in any double stranded DNA, the number of guanine units equal the number of cytosine units. जितने guanine होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, सेकेंडली, द नंबर ऑफ एडेनिन यूनिट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ थायमिन यूनिट्स। जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, ठीक है? ए पेयर्स विथ टी। सेकेंड रूल चार्गोफ का क्या कहता है, द कंपोजिशन ऑफ डीएनए वैरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। डीएनए का कंपोजिशन जो है वो एक स्पीशीज में और दूसरे स्पीशीज में अगर कंपेयर करो तो वो अलग अलग होता है। ओके, सो व्हाट वी कैन से इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द मोलर रेशियो ऑफ ए टू टी इक्वल्स टू वन। सिमिलरली द मोलार रेशियो ऑफ जी टू सी इक्वल्स टू वन। जो मोलार रेशियो होगा ए टू टी का वो वन होगा और जी टू सी का वो भी वन होगा। द सम ऑफ प्यूरिन्स ए एंड जी इक्वल दैट ऑफ पिरिमिडिन। प्यूरिन जितने होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे सम उनका। एंड द परसेंटेज ऑफ सी प्लस जी डज नॉट नेसेसरली इक्वल द परसेंटेज ऑफ ए प्लस टी। ये याद रखो, परसेंटेज जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, चार्गोफ रूल पर जो बेस्ड है। सेल्स वेयर ऑब्टेन फ्रॉम अ पेशेंट विद अ वायरल इन्फेक्शन। The DNA extracted from these cells consisted of two forms, double-stranded human DNA and single-stranded viral DNA. एक infection है, वहाँ से DNA obtain किया गया, जो extraction मिला उसमें double-stranded DNA है और single-stranded DNA है. The base composition of these two forms of DNA were as followed. तो बेस कंपोजिशन हमें दिया गया है, फॉर्म वन जो है उसमें ए सी जी टी का जो परसेंटेज है बेस का वो दिया है, और फॉर्म टू है उसका भी हमें दिया गया है। तो हमें पूछा है विच फॉर्म वॉज द वायरल डीएनए एंड विच फॉर्म वॉज द ह्यूमन डीएनए, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अभी इसमें से वायरल डीएनए कौन सा है और ह्यूमन डीएनए कौन सा है? अभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो तो उन्होंने बोला है कि सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। वायरल डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ह्यूमन डीएनए ऑफ कोर्स डबल स्ट्रैंडेड है। तो फॉर्म वन की बात करो तो एडेनिन यहाँ देखो 22.1 है, जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा अकॉर्डिंग टू द चार्गोफ्स रूल। तो थायमिन भी 22.1% है। ओके, सिमिलरली परसेंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू परसेंट ऑफ साइटोसिन, ये भी है तो 27.9% है, तो यहाँ भी 27.9% है। तो फॉर्म वन जो है दिस इज फॉलोइंग द चार्गोफ्स रूल। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट फॉर्म टू। फॉर्म टू में 31.3% एडेनिन है, थायमिन की बात करें तो दैट इज 18.7%, तो ये सेम नहीं है। यहाँ देखो सी एंड जी जो है 31.3% सी है तो ग्वानिन यहाँ पर 18.7% है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल। सो फॉर्म टू इज नॉट फॉलोइंग द चार्गोफ्स रूल।
तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म टू है दिस मस्ट बी अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. ओके, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को चारगॉफ रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इसे कुछ बेस पेयरिंग नहीं करनी है, राइट. सो फॉर्म टू मस्ट बी द वायरल डीएनए. ठीक है, फॉर्म वन जो है दैट इज अ ह्यूमन डीएनए एंड फॉर्म टू मस्ट बी द वायरल डीएनए because it is not following the Chargaff's rule. Are you getting me? So इस तरह से आपको IIT JAM की एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, Chargaff's rule पर क्वेश्चन आ रहे हैं. So be clear about the rule. जो भी परसेंटेज सिमिलर है वो ध्यान में रखो और जो नहीं है वो भी ध्यान में रखो. So with this I'm concluding with today's video. आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स निकल चुके हैं, आपने भरे होंगे. मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ, सॉल्व MCQ, सॉल्व NAT मेरे वीडियो चैनल पर मैं डाल रही हूँ. सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.